नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं विजय और बनवर्ड सब्स्टिट्यूशन के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। दूसरे पार्ट में भी हम 50 वर्ड्स की बात करेंगे। बनवर्ड सब्स्टिट्यूशन को हमने तीन भागों में बांटा है, दूसरा पार्ट आपके सामने है। पहला है ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, अपने हित की सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है, अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए। ए सेल्फिश पर्सन, एक स्वार्थी व्यक्ति, हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, जो हमेशा स्वयं के बारे में सोचता है, उसे कहा जाता है इगोइस्ट, स्वार्थी व्यक्ति। ए पर्सन हु टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ, एक व्यक्ति जो अपने बारे में, स्वयं के बारे में बहुत ज्यादा बातें करता है, अहंकार वाली बातें करता है कि मैं, इगोटिस्ट, उसे कहा जाता है इगोटिस्ट, हर बात में अपने आप को ऊंचा दिखाना, अहबादी। दोनों वर्ड्स मिले जुले हैं, थोड़ा सा अंतर है टी का, दोनों में कंफ्यूजन भी होता है, लेकिन इस कंफ्यूजन को तुम टी के माध्यम से दूर कर सकते हो। टी फॉर टॉक, जो अपने बारे में ज्यादा बातें करता है कि मैं, अपने अहंकार की, अहंकार को दिखाता है, बोस्टफुल है, शेखीवाज है, उसे कहा जाता है इगोटिस्ट। वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, या ए पर्सन हु इज चूजन टू स्पीक फॉर ए ग्रुप और एन ऑर्गेनाइजेशन, एक व्यक्ति जो दूसरे की तरफ से बोलता है, या फिर एक पर्सन, एक व्यक्ति जिसे एक समूह या संगठन के द्वारा बोलने के लिए चुना गया है। जैसे डिबेट में कोई बीजेपी की तरफ से बोल रहा है, कोई कांग्रेस की तरफ से बोल रहा है, तो वो क्या है, वो बीजेपी का स्पोक्समैन है, स्पोक्स पर्सन है, तो उस व्यक्ति को कहा जाता है स्पोक्समैन, प्रवक्ता, जो किसी पार्टी, संगठन, ग्रुप, समूह की तरफ से बोलता है, स्पोक्स पर्सन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, जमीन का एक टुकड़ा, जमीन जो चारों तरफ से पानी से घिरी हो, उसे कहा जाता है आइलैंड, आइलैंड नॉट इसलैंड, द्वीप जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, सराउंडेड, घिरा हुआ चारों तरफ से। ए पर्सन हु वाइज ओल्ड थिंग्स विच आर नो लॉन्गर इन यूज, एक व्यक्ति जो पुरानी चीजों को खरीदता है जो अब प्रयोग में नहीं रही हैं, बेकार हो गई हैं, उसे कहा जाता है जंक डीलर, कबाड़िया, जो खराब सामान को, जो यूज में नहीं है, यूजलेस है, उसे खरीदते हैं। नेक्स्ट है ए रूम और बिल्डिंग वेयर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट, एक कक्ष, कमरा या एक इमारत जहां वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं, उस स्थान को कहा जाता है लैबोरेटरी, उसको शॉर्ट में हम बोल देते हैं लैब। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, एक स्थान जहां पे डेड बॉडीज को रखा जाता है, मृत शरीरों को रखा जाता है, जनरली पोस्टमार्टम से पहले, उस स्थान को कहा जाता है मॉर्चुअरी, मुर्दा घर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय ए पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया पहला भाषण, कोई व्यक्ति जिसने पहला भाषण दिया है, उस भाषण को कहा जाएगा मेडन स्पीच, प्रथम भाषण। दूसरा है ए मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप, एक औषधि या दवा जो नींद को उत्पन्न करती है, नींद को लाती है, नींद लाने वाली दवा, उसे कहा जाता है नार्कोटिक, मादक या नींद लाने वाली दवा। डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड या ए हैंड रिटन मैटर, एक कागज जो हाथ से लिखा गया है, प्रिंटेड नहीं है, टाइप नहीं किया गया है, उसे कहा जाता है
मैन्यूस्क्रिप्ट, हस्तलिपि, पांडुलिपि जो हाथ से लिखा गया है। नेक्स्ट है, ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, अपने पिता की मृत्यु के पश्चात जन्मा बालक, एक ऐसा बालक जो जन्मा है अपने पिता की मृत्यु के बाद, या ए वर्क और बुक, एक रचना या किताब, दैट वॉज पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर, जो प्रकाशित हुई है उसके लेखक की मृत्यु के बाद में, उसे कहा जाता है पॉस्ट्यूमस, मरणोत्तर या मरणोपरांत, मरने के बाद कोई रचना प्रकाशित हुई, कोई किताब प्रकाशित हुई, या कोई बच्चा पैदा हुआ है उसके पिता की मृत्यु के बाद, उसे कहा जाता है पॉस्ट्यूमस। नेक्स्ट है, नॉट लायबल लायबल टू एरर और मिस्टेक, भूल और गलती, भूल या गलती की संभावना से युक्त, जो गलतियां कर सकता है, संभावना है गलतियां कर सकता है, उसे कहा जाता है फैलेबल, दोष क्षम। इसका अपोजिट है नॉट लायबल टू एरर और मिस्टेक, भूल या गलती के लिए, गलती की संभावना के लिए जो उत्तरदायी नहीं है। ए पर्सन हु कैन नॉट मेक ए मिस्टेक, एक व्यक्ति जो गलतियां नहीं कर सकता है, कोई चूक नहीं कर सकता है, भूल नहीं कर सकता है, उसे कहा जाता है इनफैलेबल, अचूक, चूक ना करने वाला, या फिर अमोघ। ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, एक व्यक्ति जो अपने कर्ज चुकाने में असमर्थ है, एक व्यक्ति उसने इतना लोन, इतना कर्ज ले लिया कि वो अब उसे चुकाने में असमर्थ है, उसे कहा जाता है इंसॉल्वेंट या बैंक्रप्ट। इंसॉल्वेंट और बैंक्रप्ट दोनों एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पैसा ले लिया, चुका नहीं पाए, हिंदी में कहा जाता है दिवालिया। लेकिन इंसॉल्वेंट जो होता है वो शुरुआती स्टेज होती है, व्यक्ति से व्यक्ति तक सीमित रहती है, आपने पैसा लिया, आप उसे चुका नहीं पाए, पे नहीं कर पाए। लेकिन ये चीजें फिर कोर्ट कचहरी में चली जाती हैं, तो कोर्ट घोषित कर देता है आपको बैंक्रप्ट। यदि आप सक्षम नहीं है पैसा चुकाने में, तो बड़े लेवल पे जो लास्ट लेवल होता है वो बैंक्रप्ट होता है, बैंक्रप्सी होती है, शुरुआती लेवल इंसॉल्वेंसी होती है। नेक्स्ट है, ए डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट, एक रोग जो संपर्क से फैलता है, बाय टच, छूने से फैलता है, उसे कहा जाता है कंटेजियस, संक्रामक रोग, फ्लू, कफ, कोल्ड, ETCR, कंटेजियस। ए पर्सन हु ब्रेक्स आइडल्स, एक व्यक्ति जो मूर्तियों को तोड़ता है, प्रतिमाओं को तोड़ता है, या ए पर्सन हु स्ट्रॉन्गली अपोजेस जनरली एक्सेप्टेड बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस, स्वीकृत परंपरा और विश्वास हैं उनका विरोध करता है, रिवाज है उनको तोड़ता है, या प्रतिमाओं को तोड़ता है, दोनों के लिए वर्ड यूज होता है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट हिंदी में कहें मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला, या फिर रिवाज तोड़ने वाला। ए पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस वेल, या ए पर्सन हु इज प्रोफिशिएंट इन मैनी लैंग्वेजेस, एक व्यक्ति जो अनेक भाषाएं अच्छी तरह से जानता है, या एक व्यक्ति जो अनेक भाषाओं में दक्ष है, प्रोफिशिएंट है, चतुर है, प्रवीण है, स्किलफुल है, उसे कहा जाता है लिंग्विस्ट, बहुभाषाविद, अनेक भाषाओं का विद्वान। नेक्स्ट है, ए पर्सन हु कैन स्पीक, रीड एंड राइट मैनी लैंग्वेजेस, एक व्यक्ति जो अनेक भाषाएं बोल सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, जनरली बोल सकता है, उसे कहा जाता है पॉलीग्लट, बहुभाषी। अब दोनों में अंतर क्या है, लिंग्विस्ट को किसी भाषा का, कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान होता है, लेकिन पॉलीग्लट कई भाषाओं
को बोल सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन उसे अच्छी नॉलेज नहीं है। जो जनरली इंग्लिश बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि उनको अंग्रेजी भाषा का डीपली नॉलेज है। वो लिंग्विस्ट है, लेकिन जिसे केवल स्पीकिंग से ही मतलब है, लिख सकता है और पढ़ सकता है, ज्यादा डीपली वह नहीं जानता है, उसे पॉलीग्लट कहा जाता है, बहुभाषी, अनेक भाषाओं को जानने वाला, अनेक भाषाओं को बोलने वाला। सॉरी, नेक्स्ट वर्ड है हार्ड टू प्लीज, या ए पर्सन हु वॉन्ट्स एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, जिसे खुश करना कठिन हो, या ए पर्सन हु वॉन्ट्स एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, या कोई व्यक्ति जो हर चीज को पूर्ण चाहता है, परफेक्ट चाहता है, कोई कमी ना हो, आसानी से खुश नहीं होता, हर चीज में कमी निकाल देगा, कितने भी अच्छी तरह से किसी काम को कर लिया जाए, उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल देगा, उसे अंग्रेजी में कहा जाता है फेस्टिडियस, तुनक मिजाज। चलिए अगले वर्ड की बात करते हैं। अगला वर्ड है ए बिल्डिंग ईटीसी मेड इन मेमोरी ऑफ सम पर्सन और टू कमेमोरेट ए हिस्ट्रिकल इवेंट, एक इमारत या इत्यादि जो किसी व्यक्ति की याद में बनाया गया है, और या किसी ऐतिहासिक घटना को याद करने के लिए उसे कहा जाता है मॉन्यूमेंट, स्मारक। फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल। ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है क्योंकि वो मुमताज महल की स्मृति में, मेमोरी में बनाया गया है। तो कोई भी चीज किसी की याद में बनाई गई है उसे मॉन्यूमेंट कहा जाता है, स्मारक कहा जाता है। नेक्स्ट, द लिस्ट ऑफ बुक्स इन ए लाइब्रेरी, किसी पुस्तकालय में, किसी लाइब्रेरी में किताबों की सूची, कौन कौन सी किताबें उपलब्ध हैं, या ए लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू कैन बाय सी ई टी सी समवेयर। जनरली आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो एक बुकलेट होती है, उसमें मॉडल्स जो दिखाए जाते हैं उस विषय सूची को, उस लिस्ट को कैटलॉग कहा जाता है। मैं एक चित्र के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। इन सभी को कैटलॉग्स कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है कंडीशन कॉज्ड बाय नॉट गेटिंग एनफ फूड ऑफ देयर राइट काइंड, कंडीशन अवस्था या दशा, कॉज्ड बाय नॉट गेटिंग एनफ फूड, पर्याप्त भोजन ना मिलने के कारण, ऑफ देयर राइट काइंड, अपने अच्छे प्रकार का पर्याप्त भोजन ना मिलने के कारण उत्पन्न स्थिति या दशा, उसे कहा जाता है मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण, लैक ऑफ सफिशियंट न्यूट्रिशंस इज कॉल्ड मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण। नेक्स्ट वर्ड है वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सर्वशक्तिमान है, सबसे अधिक शक्तिमान है, शक्तिशाली है, वन हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, जिसके पास पूर्ण अधिकार है, पूर्ण शक्ति है, उसे कहा जाता है ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिशाली या सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट वर्ड है विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसमें से होकर नहीं देखा जा सकता हो, से होकर के जरिए, कोई चीज जिसके आर पार देखा ना जा सके, उसे कहा जाता है ओपेक, अपारदर्शी। इसका अपोजिट वर्ड है विच कैन बी सीन थ्रू, जिससे होकर देखा जा सकता है, जिसके आर पार देखा जा सकता है, उसे कहा जाता है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। अगले वर्ड की बात करते हैं। अगला वर्ड है विच इज नो लॉन्गर इन यूज बिकॉज समथिंग बेटर हैज बीन इन्वेंटेड, कोई चीज अब चलन में नहीं रही है, जो चलन में नहीं रहा है क्योंकि कुछ
अधिक बेहतर खोज लिया गया है, उसके स्थान पे कोई अधिक अच्छी चीजें आ गई हैं। जनरली यहां तक पूछा जाता है विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जो अब चलन में नहीं रहा, उसे कहा जाता है ऑब्सोलीट, अप्रचलित, जो अब प्रचलन में या चलन में नहीं है। कोई भी चीज टू ओल्ड, बहुत पुरानी हो गई है। नेक्स्ट है, ए पर्सन होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीव्स स्पेशली इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, धर्म के मामले में जिस व्यक्ति ने परंपरागत या रूढ़िवादी विश्वास धारण कर रखा है उसे कहा जाता है ऑर्थोडॉक्स। रूढ़िवादी या परंपरागत, पुरानी रूढ़ियों और रिवाजों को मानने वाला। आगे है, एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट रिलीजन, धर्म के अगेंस्ट विरुद्ध बोलने का जो कार्य है उसे ब्लेसफेमी कहा जाता है, या स्पीकिंग अगेंस्ट गॉड और सेक्रेट थिंग्स, ईश्वर या पवित्र या धार्मिक चीजों के बारे में बोलना, उनकी निंदा करना, उसे कहा जाता है ब्लैस्फेमी, ईश्व निंदा या धर्म निंदा। जनरली जो भी रिलीजियस थिंग्स हैं, सेक्रेट थिंग्स हैं, ईश्वर से संबंधित हैं, यदि उनके बारे में गलत बोला जाए, कुछ गलत किया जाए, जैसे उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में एक केस घटित हुआ, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक भड़काऊ भाषण दिया था रामचरितमानस को बैन करने का, या उनके कुछ समर्थकों ने रामचरितमानस के कुछ पृष्ठों को जला दिया, इस प्रकार की घटना को ब्लैस्फेमी कहा जाता है। नेक्स्ट है, ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक व्यक्ति जो चीजों की पॉजिटिव साइड को देखता है, सकारात्मक चीजों को देखता है, सकारात्मक गुणों को देखता है, या समवन हु ऑलवेज बिलीव्स दैट गुड थिंग्स विल हैपन, कोई व्यक्ति जो हमेशा ये विश्वास करता है कि अच्छी चीजें घटित होंगी, आगे अच्छा होगा, उसे कहा जाता है ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, हर चीज में अच्छा सोचने वाला, पॉजिटिव सोचने वाला। नेक्स्ट है, ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, एक व्यक्ति जो वस्तुओं की नेगेटिविटी को देखता है, पॉजिटिविटी को नहीं देखता, इसका अपोजिट है, नेगेटिविटी को देखता है, यहां ब्राइट साइड है, यहां पे डार्क साइड है। या ए पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स दैट बैड थिंग्स विल हैपन, एक व्यक्ति जो सदैव सोचता है कि बुरी चीजें घटित होंगी, आगे कुछ बुरा होगा, उस व्यक्ति को कहा जाता है पेसिमिस्ट, निराशावादी, और जो सकारात्मक सोचता है उसे कहा जाता है ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। दोनों के लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है जो जनरली मैं देता हूं। मान लो कि कोई गिलास है और वो पानी से, उसका पानी का लेवल यहां तक है। अब इस गिलास को यदि इस कंडीशन को एक्सप्लेन किया जाए, डिफाइन किया जाए, तो इसे दो तरीके से हम कह सकते हैं, ग्लास आधा भरा हुआ है, ग्लास आधा खाली है। जनरली जो व्यक्ति ये बोलेगा कि ग्लास आधा भरा हुआ है वो एक ऑप्टिमिस्ट है, क्योंकि उसने ये तो देखा कि आधा तो ग्लास भरा हुआ है। व्यक्ति जो ये बोलेगा कि ग्लास आधा खाली है वो एक पेसिमिस्ट है, क्योंकि उसने उसके नकारात्मक नेगेटिविटी को देखा है कि खाली है। लेकिन ऑप्टिमिस्ट ने क्या देखा, उसकी पॉजिटिविटी को देखा है, उसकी ब्राइट साइड को देखा है, जबकि पेसिमिस्ट ने उसकी डार्क साइड को देखा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है, वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, उसे कहा जाएगा पैट्रियट, देशभक्त, एक व्यक्ति जिसे अपने देश से बहुत प्रेम है,
उसे कहते हैं पैट्रियट देशभक्त। नेक्स्ट है ए पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट या वन हु गोज ऑन फुट, एक व्यक्ति जो पैदल यात्रा करता है या जो पैदल चलता है उसे कहा जाता है पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्री, पैदल यात्रा करने वाला, पैरों पर चलने वाला। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी, किसी मृत शरीर का चिकित्सीय परीक्षण, उसे कहा जाता है पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी, शव विच्छेदन। जनरली मौत का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वन हु लिव्स ऑन अनदर, एक जो दूसरे के ऊपर जीता है। ए प्लांट और एनिमल दैट लिव्स इन और ऑन अनदर प्लांट, एक पौधा या जानवर जो दूसरे प्लांट या दूसरे एनिमल, दूसरे जानवर के ऊपर रहता है एंड गेट्स इट्स फूड फ्रॉम इट, और अपना भोजन उससे पाता है। मान लो टिक्स होते हैं, जुए होते हैं, ये क्या है, परजीवी है। कुछ प्लांट्स भी होते हैं, पीपल का पेड़ देखा होगा आपने, वो भी किसी दूसरे पेड़ में निकल आता है कभी कभी। फंगस होते हैं, मशरूम वगैरह तुमने देखे होंगे किसी दूसरे प्लांट्स के ऊपर उपज आते हैं। तो जो अपने जो पोषक तत्व हैं दूसरे से लेते हैं जीवित रहने के लिए, उन्हें पैरासाइट्स कहा जाता है, परजीवी। ए रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड द नीडी स्पेशली बाय गिविंग मनी, एक धनी व्यक्ति जो गरीबों तथा जरूरतमंदों की सहायता करता है, स्पेशली बाय गिविंग मनी, विशेष रूप से पैसा देकर। या ए लवर ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति को प्रेम करने वाला, वन हु लव्स मैनकाइंड, उसे कहा जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट या फिलैंथ्रोप, परोपकारी या मानव प्रेमी, मानवता से प्रेम करने वाला। वन हु हेट्स मैनकाइंड, एक व्यक्ति जो मानवता से घृणा करता है, मानव जाति से घृणा करता है, उसे कहा जाता है मिज़ैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट का अपोजिट वर्ड है मानव द्वेषी, मानव से द्वेष करने वाला, मानव जाति से घृणा करने वाला। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन बोर्न ऑफ द सेम मदर एट वन एंड द सेम टाइम, बच्चे जो एक ही मां से एक ही समय में एक साथ जन्मे हैं उन्हें कहा जाता है ट्विंस, जुड़वा। अगला वर्ड है ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, एक व्यक्ति जो अकेला रहता है, अलोन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लस बाई का मतलब होता है अलोन के लिए, तो बाय हिमसेल्फ इट मींस अलोन, जो व्यक्ति अकेला रहता है, लोगों से अवॉइड करता है, दूर रहता है, उसको बोलते हैं रेक्लूस, सन्यासी या एकांतवासी, जो एकांत में रहता है। नेक्स्ट वर्ड है इक्लिप्स ऑफ द सन, सूर्य का ग्रहण, उसे कहा जाता है सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, उस स्थिति को कहा जाता है सोलर इक्लिप्स। नेक्स्ट है इक्लिप्स ऑफ द मून, चंद्रमा का ग्रहण, उसे कहा जाता है ल्यूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, उस स्थिति को ल्यूनर इक्लिप्स कहा जाता है। नेक्स्ट है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर या वन हु फील्स एट होम एवरीवेयर, एक व्यक्ति जो हर जगह उपस्थित है, व्याप्त है, उसकी उसका प्रभाव है, या एक व्यक्ति जो हर जगह घर जैसा महसूस करता है, दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है ओमनीप्रेजेंट, सर्वव्यापी। वन हु नोज एवरीथिंग, एक जो सब कुछ जानता है, उसे कहा जाता है ओमनीसाइंट, सर्वज्ञ। नेक्स्ट है ए पर्सन हु टेक्स अप आर्म्स अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट,
एक व्यक्ति जो स्थापित सरकार के विरुद्ध हथियार उठा लेता है उसे कहा जाता है रिवेल, विद्रोही। नेक्स्ट है, ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू बोथ प्लेजर और पेन, या सफरिंग पेन और डिफिकल्टी विदाउट कंप्लेनिंग। एक व्यक्ति जो खुशी और दुख दोनों के प्रति उदासीन है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता दुख का और खुशी का। या कोई व्यक्ति जो दुख को या समस्या को, कठिनाई को बिना शिकायत किए हुए सफर करता है, झेलता है, उस पे दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे कहा जाता है स्टोइक, भावहीन या उदासीन, निर्लिप्त। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है द आर्टिस्ट हु ड्रॉज द कॉमिक पिक्चर्स। एक आर्टिस्ट, कलाकार, जो हास्यजनक चित्र बनाता है। अधिकांश न्यूज़पेपर्स में आपने देखा होगा लीडर्स, नेताओं के कार्टून्स बना दिए जाते हैं। हास्यजनक जो चित्र होते हैं उन्हें बनाने वाला कैरिकेचरिस्ट कहलाता है। हास्यजनक चित्र बनाने वाला एक कार्टूनिस्ट होता है। कार्टूनिस्ट सभी के चित्र बना सकता है, जनरली किसी जानवर के, किसी का भी कार्टून बना सकता है, लेकिन कैरिकेटरिस्ट जनरली लोगों के चित्र बनाता है। दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास ना किया जा सकता हो, कोई भी चीज जिसमें विश्वास नहीं किया जा सकता हो उसे कहा जाता है इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय या अनबिलीवेबल। नेक्स्ट है, पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट। एक ही ऑफिस या विभाग में काम करने वाले लोग, साथ साथ काम करने वाले लोग, इन द सेम ऑफिस, एक ही दफ्तर में या डिपार्टमेंट में या एक ही स्थान पर जो लोग काम करते हैं उन्हें कहा जाता है कॉलीग्स, सहकर्मी, या कलीग, ये प्लूरल में है कॉलीग्स। नेक्स्ट वर्ड है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय से, सेम, समान समय से संबंध रखने वाले, एक ही समय में कोई कार्य करने वाले या रहने वाले लोगों को कंटेम्परेरी कहा जाता है, समकालीन या समसामयिक, एक ही समय में रहने वाले। जैसे हम कह सकते हैं कि तुलसीदास, सूरदास अकबर के समकालीन थे, क्योंकि उसी समान काल में थे, उसी समय थे वो, तो वो कंटेम्परेरी थे। नेक्स्ट वर्ड है ए ट्रेवलर इन स्पेस, अंतरिक्ष में एक यात्री। ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन ए स्पेसक्राफ्ट, एक व्यक्ति जो एक अंतरिक्ष यान में यात्रा करता है उसे कहा जाता है एस्ट्रोनॉट, जो अंतरिक्ष में जाता है उसे एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, अंतरिक्ष यात्री। यदि वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।